लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शरांग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। एंड टुडे इज 18th of July 2020 एंड टाइम हो गया था दोपहर के 1:30 बज गए एक्चुअली में। एंड आई एम ट्रैवलिंग, यस, हेलमेट देख सकते हो, रुमाल देख सकते हो। एक्चुअली मैंने मास्क लगाया था बट पेन होने लगा तो फिर मैंने रुमाल लगा लिया है। मैं मॉर्निंग 10 बजे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड ये मेरा 3rd district है एक्चुअली। मैं पहले मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में था, उसके बाद फिर मैं फर्रुखाबाद में आया, अभी मैं एटा में हूँ। पूरा मैंने क्रॉस किया है, ऐसा नहीं है, पहले मैं कन्नौज में छिपरा मुँह के भी आगे था, उसके बाद फिर मैंने पूरा फर्रुखाबाद मैंने क्रॉस किया, इसके बाद अभी मैं एटा हूँ, एटा में भी आगे जाना है मुझे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हिसाब से सैटरडे एंड संडे को चलेगा भैया लॉकडाउन, ठीक है, एंड आज सैटरडे भी है तो लॉकडाउन चलना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि यार लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि भैया जिस हिसाब से लोग घूम रहे हैं उस हिसाब से नहीं लग रहा है, क्योंकि बिना हेलमेट, बिना मास्क, बिना किसी सिक्योरिटी के भाई साहब ऐसे घूम रहे हैं, तो वो भी तीन तीन चार चार बैठ के घूम रहे हैं, तो ये तो फिर थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है। चलो आगे देखते हैं, आगे मुझे पुलिस मिलती या नहीं मिलती। अभी तक तो वैसे मुझे कोई भी कहीं पे एक भी पुलिस वाला मुझे नहीं मिला है, बाकी का अभी के लिए भैया चलते हैं। और अभी के लिए देखो, फक, हाँ बताता हूँ, हाँ जी भैया, तो हम आ गए हैं अपने मकान पर। ये एक्चुअली हमारा शोरूम बन रहा है, शोरूम मतलब लाइक घर काइंड ऑफ शोरूम, ये ऊपर वाला और ये बाहर की जो दो दुकानें हैं ये शोरूम वाला पोर्शन रहेगा, बैक साइड का मैंने सोचा कि उसको घर के घर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मतलब काइंड ऑफ शोरूम और घर एक ही में। हाँ तो ये हमारा बन रहा है, अभी इनकम्प्लीट है, अभी लॉकडाउन के चक्कर में नहीं काम हो पाया, नहीं तो अब तक तो बन के कम्प्लीट हो जाता। अभी तक के लिए देखो मार्केट बंद है, लेट्स सी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। हाँ जी भैया, तो ये फर्स्ट टाइम है मुझे कि ये पुलिस दिख रही है सामने, ये देख रहे हो आप लोग, ये रही पुलिस, तो यस लेट्स गो। ये यहाँ का सबसे बड़ा चौराहा है बट यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं है, सबसे बड़ा चौराहा था ये है, यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग बाग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एरिया है बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी इंसान कोई भी नहीं है, अच्छी बात है। नहीं भी हो सकता पुलिस का डर हो, क्योंकि पीछे मैंने देखा था 3 से 4 पुलिस वाले बैठे हुए थे और ये थाना है यहाँ का। अच्छा जी, तो जितना तक मुझे समझ में आया है ये लॉकडाउन किस हिसाब से चलेगा कि भैया देखो सारी चीज़ें बंद रहेंगी बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वो बंद नहीं रहेगा, आप निकल सकते हो बाहर विद लाइक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन, जो कि अच्छी बात है। अब रही बात यार, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि भाई तू खुद निकल रहा है, तू दूसरे लोगों को बोल रहा है, तू पुलिस वालों को ऊपर ब्लेम कर रहा है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने 3 district मैंने क्रॉस किए, ना कोई पुलिस वाला मुझे मिला, ना कोई किसी ने मुझे रुका, बट हाँ यहाँ पर मुझे 2-3 पुलिस वाले जो मिले थे वो मेरे को ये चीज़ समझ कि टाउन एरिया में केवल पुलिस है, बाहर कहीं भी मेन रोड पर जो गांव के लोग हैं वो आकर के बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। अब देखो, अब रही बात आप लोग ये सोचो कि मैं क्यों निकला हूँ भाई, क्योंकि देखो जब ऐसा सीन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे क्या निकलने की जरूरत है। पहली चीज़, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो ये जो है ना ये मुड़ नहीं पा रही है, इसके आगे नहीं मुड़ पा रही है मेरी कलाई, अभी जो लेफ्ट हैंड जो मेरे रिस्ट है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं मुड़ पा रही है। अब ये नहीं मुड़ पा रही है तो फिर इसके लिए भैया डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, आज का अपॉइंटमेंट था मेरा डॉक्टर के साथ में, तो डॉक्टर के पास गया, प्लस दूसरा जो कांड था दैट इज़ मुझे किसी और भी काम से जाना पड़ा था जो कि पर्सनल है, मैं बता नहीं सकता हूँ, बट जो भी है जैसा भी है अभी के लिए पहुँचते हैं अभी, क्योंकि जो दूसरा काम था वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी रास्ते में अगर कुछ अगर मुझे अच्छा दिखा, कुछ और ऐसा इंटरेस्टिंग दिखा जो मैं ब्लॉग के अंदर मैं डाल सकता हूँ वो डालूंगा, नहीं तो बाकी का मिलते हैं पहुँच के। यार गांव की यही खास बात लगती है भाई, सब ग्रीनरी देख रहे हो, मतलब जाने का मन ही नहीं करता है। और अभी तो फिलहाल चलो धूप हो रही है बट जब शाम होती ना भाई कसम से बता रहा हूँ बिल्कुल हिलने का मन नहीं करता, मन करता है ऐसे देखता रहूँ कसम, मतलब इसे बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी मैन।
और बाकी का अभी के लिए मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर मुझे पहुँचना था। तो भैया आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करने का टाइम आ गया है, बट ब्लॉग ख़त्म करने से पहले आज के लिए मैं बता दूँ कि भैया मैं किस बाइक को मैं राइड कर रहा हूँ। तो ये है अपनी होंडा लीवो, लेट मी शो यू। तो ये अपनी बाइक है, देखो होंडा लीवो मस्त आराम से, मतलब पुरानी है, मेरी नहीं है क्योंकि मैं घर पे रहता नहीं हूँ। ये उनके डिग्गी, ये पता नहीं ये मुझसे ही ठुकी थी अभी जब मैं आया था ना, जो इसमें जो चोट लगी है वो उसी वजह से लगी थी। ये पूरा ये लेग गार्ड जो पूरा मुड़ गया था, ये हैंडल में थोड़ी सी वो आई थी अभी, आई थिंक ठीक है। ये देखो स्क्रैच दिख रहे होंगे तुम्हें, ये देखो स्क्रैच कुछ दिख रहे हैं ना, ये थे एंड इसमें ये स्क्रैच लगा था, ये तभी वही गिरी थी मेरी बाइक। हाँ बताऊँगा उसकी भी कहानी अलग है, गिरने की भी भाई साहब अलग ही कहानी है। एक डॉग को बचाने के चक्कर में गिरा था, इतना फनी सीन था ना बाद में, लेकिन लग गई। स्टार्टिंग में तो नहीं पता लगा कि इतनी कुछ लगी होगी, बट अभी रियलाइज़ हो रहा कि थोड़ा सा ज़्यादा लगी थी, यहाँ पे लगी। और ये देखो ये वही वाली मैंने शर्ट पहनी जो उस दिन पहनी हुई थी, ये हल्की सी फटी हुई है, तो यहाँ पे भी मेरे शोल्डर में भी लगी थी। बाकी का मैं रहा कि इस हेलमेट की, देखो हेलमेट पे कहाँ पे इस साइड में स्क्रैच होंगे ना, हाँ देखे या नहीं देखे, इस साइड में होंगे या इस साइड में होंगे, इन्हें इसी साइड में होने चाहिए। पूरा हेलमेट रगड़ गया था, अगर हेलमेट ना पहना होता ना भाई साहब तो लग जाती। तो इसलिए बोलते हैं हेलमेट जरूरी है, ये शौक के लिए नहीं होता, ये गवर्नमेंट ने पनिशमेंट इसलिए नहीं लगाया कि भैया उसको रेवेन्यू चाहिए, उसको ये चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी, आप सुरक्षित रहो। तो हेलमेट जरूर पहनो जब भी बाइक राइड करो, हमेशा हेलमेट पहनो। बाकी का आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी ब्लॉग के अंदर। आई नो देखो जो मैं डायरी से मैं घर आया था वो वाला ब्लॉग अभी तक नहीं आया, एक्चुअली उस वो यार एडिट होने में प्रॉब्लम कर रहा है। एडिट होने की भी बात नहीं है, एक्चुअली मैं प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार इंटरनेट और लाइट की प्रॉब्लम आती है, क्यों भैया देखो गाँव है, गाँव के अंदर लाइट और इंटरनेट ये सारी चीज़ें बहुत रेयरली आती हैं, तो इसलिए वही सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रखी है। बाकी का जब भी टाइम मिलेगा ब्लॉग्स सारे सारे आ जाएंगे। ये वाला ब्लॉग मुझे खुद को नहीं पता कि ये वाला ब्लॉग कब अपलोड होने वाला है। वैसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और बाहर निकलना कम रखें। प्लस भैया कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखें। बाय।